हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ द पिंक सिटी जयपुर में। तो अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, हम गए थे जोधपुर, उसके बाद बीकानेर, और बीकानेर से हम आए हैं जयपुर क्योंकि हमारी वापस घर की जो फ़्लाइट है वो जयपुर से है। बट हमें आज थोड़े घंटे थे, तो आज हमने दो चीज़ें रखी आज के दिन करने के लिए। हमारी फ़्लाइट रात को है, सो वी थॉट ऑफ कमिंग टू मसाला चौक इन जयपुर। ये वीडियो उसी चीज़ के बारे में होने वाला है, और उसके बाद हम जाने वाले हैं आमेर का किला। सो मसाला चौक एक्चुअली जो जगह है जयपुर में, इट्स लाइक अ फूड कोर्ट, एंड यहाँ पे आपको जयपुर की जो भी वेल नोन या फेमस जॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली आइडिया क्या था कि जो भी जयपुर की फेमस फूड जॉइंट्स हैं उनको एक ही जगह पे लाया जाए, ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, सो दे कैन डायरेक्टली कम हियर टू ट्राई द जयपुर स्पेशलिटीज़। सो हम भी यहाँ पर आ गए हैं, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या ट्राई करने वाले हैं। तो मसाला चौक जो है वो अल्बर्ट म्यूजियम हॉल के ऑपोजिट आता है, आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई मिल जाएगी। एंड यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको 10 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ती है, द एंट्री टिकट इज़ ऑफ 10 रुपीज़। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ जॉइंट्स हियर, एंड बैठने की भी ऐसी जगह है, इट्स नाइस एयरी स्पेसी, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्विजींस ऑल्सो हियर। सो लेट्स गो एंड चेक आउट कि हम सबसे पहले क्या खाते हैं। फर्स्ट स्टॉल है, इसका नाम है सम्राट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देसी घी की आलू टिक्कियाँ मिलती हैं। सो लेट्स गो एंड हैव दैट। मसाला चौक के फूड ट्रेल की शुरुआत हम करने वाले हैं चाट के साथ। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा हम सबसे पहले कुछ ऐसा हैवी सा नाश्ता टाइप कुछ करेंगे, बट वी आर स्टार्टिंग विद चाट, क्योंकि मैं जब फर्स्ट स्टॉल सम्राट में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे ऐसे मस्त आलू टिक्कियाँ बन रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। सो आई हैव टेकन 1 प्लेट ऑफ आलू टिक्की चाट। तो इसमें ना आप चूज़ कर सकते हो कि आपको आलू की जो टिक्की है वो एक चाहिए या दो, लाइक डबल या सिंगल। मैंने सिंगल ही ले ली है क्योंकि आज हम बहुत कुछ खाने वाले हैं। तो आपने देखा ये आलू टिक्की घी में पूरी बनाई गई थी, उसके ऊपर उन्होंने डाला दही, चटनी, सेव डाला, देन ये बूंदी। लेट्स हैव दिस। ओह वाओ, घी का जो स्वाद आ रहा है अमेजिंग, बट द आलू टिक्की इन इटसेल्फ इज सो क्रिस्पी। आई टेक वन मोर बाइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आलू टिक्की काफ़ी क्रिस्पी है। जो चटनी डाली गई है, एक मीठी है, इमली की चटनी है वो, और एक धनिया पुदीने की चटनी है जो हल्की सी, एकदम हल्की सी स्पाइसी, बट मेनली खट्टी है, तो ओवरऑल मीठा और खट्टा है। एक और चीज़ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है, वो जो उन्होंने एक छोले की सब्ज़ी डाली, वेरी नाइस, उसमें भी हल्का सा खटास है। इट्स नॉट छोले एक्चुअली, इट्स चना, उन्होंने छोले बोला बट इट्स एक्चुअली चना, वेरी नाइस। और आलू टिक्की एज सच सिर्फ आलू की टिक्की है, मतलब उसमें कुछ स्पाइसेस नहीं थे, दही डाली हुई है बट दही का भी इतना स्वाद नहीं है, मीठी दही नहीं है। इसमें जो भी फ्लेवर आ रहा है वो मेनली जो घी का फ्लेवर आ रहा है टिक्की से, और बाकी जो फ्लेवर आ रहा है चटनी से। लेट्स नॉट फॉरगेट टेक्स्चर अच्छा करने के लिए जो ऊपर सेव, पुदीना और बूंदी डाला हुआ है, अमेजिंग। ये 1 टिक्की आलू टिक्की चाट इज़ प्रॉपर ओनली, क्योंकि इतना हैवी भी नहीं होगा, स्वाद भी अच्छा हो जाएगा, एंड अ गुड स्टार्टर।
गाइस मैं ये मसाला चौक में घूम रही थी और मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे इतने सारे जॉइंट्स तो हैं बट इतने अलग अलग तरीके के क्विजींस भी हैं। लाइक अगर आपको पाव भाजी खानी है उसके लिए अलग जॉइंट है, आपको स्वीट्स खानी है उसके लिए अलग जॉइंट है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, हर तरीके का क्विजीन मिलेगा आपको। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बट जो नेक्स्ट चीज़ हम खाने वाले हैं वो राजस्थान की स्पेशलिटी है। हम खाने वाले हैं एक ऐसी थाली जिसमें आती है ये रोटी। अब ये रोटी का नाम है बेजर की रोटी। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सिर्फ ये रोटी में से नहीं बट ये लहसुन की चटनी में से भी। मैं जब से राजस्थान में खा रही हूँ ना, आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ द लहसुन चटनीज हियर, दे आर सो गुड। बट ये हमने एक थाली ले ली है, इसमें है बेजर की रोटी। अब ये बेजर की रोटी ऐसे मान लो कि राजस्थान की मल्टीग्रेन है। ये तीन आटों से बनती है, गेहूँ, ज्वार और चना। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ये आलू और पनीर की सब्जी जो प्याज में बनी हुई है। यहाँ पर है रायता, ये है टिपोरे जिसको मिर्ची का अचार भी आप कह सकते हो, और ये लहसुन की चटनी। ये हमने लिया है फ्रॉम दिस जॉइंट कॉल महावीर रबड़ी भंडार। यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के थाली ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने बजट, भूख और प्रेफरेंस के हिसाब से थाली ले सकते हो। ये मुझे 130 रुपीज़ में पड़ी और यहाँ पे एक्चुअली रबड़ी अभी अवेलेबल नहीं थी, काफ़ी टाइम था, नहीं तो मुझे यहाँ की रबड़ी भी ट्राई करनी थी। बट यू कैन ट्राई द रबड़ी, यह काफ़ी पॉपुलर जॉइंट है जयपुर का। लेट्स हैव दिस नाउ। बेजर की रोटी में देखेंगे बहुत सारा घी डाला हुआ है और ये जो रोटी है काफ़ी थिक है, दिखने में भी काफ़ी हैवी लग रही है। ये हम खाएंगे ये सब्जी के साथ। ये सब्जी में आलू के पीसेस डाले हुए हैं, काफ़ी मसालेदार लग रही है ये सब्जी। ओ वाओ, थोड़ा रायता, होलसम। ये जो रोटी इन्होंने सेकी थी, ढेर सारा घी का स्वाद तो आ ही रहा है पर इसका टेक्सचर काफ़ी कमाल का है। अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और ऊपर से काफ़ी अच्छी सेकी हुई, क्रिस्पी है। इसमें ना मुझे ज्वार का काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर ये जो सब्ज़ी है पैक्ड विथ फ्लेवर्स, इसमें आप एक्चुअली देखेंगे पनीर भी डाला हुआ है। ये देखिए, ये पनीर डाला हुआ है, बहुत सारा इसमें ऑयल है और ये जो पूरी ग्रेवी है इट्स जस्ट अनियन एंड स्पाइसेस। काफ़ी भुना हुआ अनियन कैसा होता है वो, और स्पाइसेस। बेजर की रोटी हल्की सी चूही है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा आपको उसको अच्छे से चू करके खाने में, बट ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इवन तो मैं एक फूड कोर्ट में बैठ के खा रही हूँ, दिस हैज़ अ वेरी ट्रेडिशनल फील, टेस्ट एंड टच टू इट बिकॉज ऑफ द वे इट्स सर्व्ड ऑल्सो। ये सब्जी बहुत कमाल की है, पनीर हल्का सा फ्राई किया गया है बिफोर पुटिंग इन टू दिस। ऑयल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है बट इसमें आपको भुने हुए अनियन का बहुत टेस्ट आएगा, फिर स्पाइसेस का। इसमें इलायची डाली गई है, जीरा, कड़ी पत्ता डाला हुआ है ढेर सारा। अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया है ये। अभी मैं ये फेवरेट अपनी लहसुन की चटनी ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं यहाँ की लहसुन की चटनी कैसी है। यार राजस्थान में आपको जो लहसुन की चटनी मिलती है ना, उसमें क्या कमाल का स्वाद आता है, गार्लिक का, टू गुड, और इतनी थिक भी होती है, अमेजिंग। रायता भी काफ़ी अच्छा है, बूंदी एकदम नरम और जीरा पाउडर डाला हुआ है उसमें। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप मसाला चौक आते हो और आपको अगर राजस्थानी क्विजीन में कुछ ट्राई करना है, डू स्टार्ट विद दिस, आई एम श्योर यू विल लव इट। यही ले लेना, 130 रुपीज़ की है, टू गुड, काफ़ी हैवी भी है। चौक आए, एक घंटा हो गया है और क्राउड बढ़ता ही जा रहा है। मे बी इट्स अ वीकेंड बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पॉट क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्शंस के काफ़ी बाजू में हैं, तो इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर हैविंग डिलिशियस फूड। नेक्स्ट चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं वो है पाव भाजी, तो मुझे लगा आप कुछ अलग ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ के दूसरे क्विजींस कैसे हैं। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग वन प्लेट ऑफ पाव भाजी। ये हमने ली फ्रॉम दिस जॉइंट कॉल झारखंड नाथ पाव भाजी। ये 100 रुपीज़ की है एक प्लेट ऑफ पाव भाजी, जिसमें चार छोटे पाव, एंड लुक एट द भाजी, दैट्स लाइक अ डोलोप ऑफ बटर ऑन टॉप ऑफ इट। वी हैव अनियन, थोड़ा सा सैलड एंड नींबू, थोड़ा नींबू डाल देते हैं। लेट्स ईट। पाव एकदम छोटी सी है, आई थिंक बड़ी पाव से महाराष्ट्र में ही मिलती है, उसके बाद जहाँ पे भी जाओ ज़्यादा तो ऐसे छोटी पाव ही मिलती है। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी पतली है, चलिए खा के देखते हैं। वन ऑफ द रीजंस मैंने यहाँ पे पाव भाजी ली इज़ आई एक्चुअली सॉ यहाँ पे मेजॉरिटी बहुत लोग खा ही रहे थे, सो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई एंड सी हाउ गुड इज़ इट।
फर्स्ट बाइट में तो मुझे काफ़ी सॉल्टी लगा, तो फर्स्ट बाइट में मुझे थोड़ा सा ऐसे सॉल्टी लगा एंड काफ़ी ऐसा टमेटोई टाइप टेस्ट है। इट्स ओके बट इट्स नॉट बैड टेस्ट वाइज। मसालों का अच्छा स्वाद आ रहा है, वेजिटेबल्स कम्प्लीटली मैश्ड हैं। इसकी सिर्फ कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी ओके ओके लग रही है। इसमें ना जीरे का बहुत ज़्यादा स्वाद आ रहा है और बटर इतना डाला हुआ है कि थोड़ा नमकीन हो गया है। नॉट बैड एंड टू माई सरप्राइज पाव एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, फ्लफी है, वेरी गुड। मसाला चौक में जो हम नेक्स्ट चीज़ ट्राई कर रहे हैं वो है डोसा। हमने लिया है फ्रॉम दिस जॉइंट कॉल्ड रमन डोसा। प्लेन डोसा लिया है हमने क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा पेट भरना शुरू हो गया है, बट डोसा लुक्स ह्यूज। ये डोसा हमें मिला 90 रुपीज़ का और इसमें आप देखेंगे कितना बड़ा डोसा है, इट्स लिटरली कमिंग आउट ऑफ द प्लेट। हियर वी हैव सम सांबार, सम चटनी एंड वी हैव अ टमेटो चटनी एज वेल। ओ डोसा काफ़ी क्रिस्पी है, लेट्स ब्रेक इट। पाव भाजी तो ठीक थी, मतलब नॉट द बेस्ट नॉट द गुड। लेट्स सी हाउ इज़ द साउथ इंडियन फूड हियर। डोसे का जो टेक्सचर है वो तो काफ़ी कमाल का है, वेरी क्रिस्पी, एकदम पतला क्रिस्पी डोसा, वेरी गुड। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ द टेक्सचर। कोकोनट चटनी भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी वाटरी है बट टेस्ट में काफ़ी अच्छी है। सांबार मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, सांबार लिटरली ना मीठा है ना तीखा है, इट्स समवेयर इन बिटवीन। ठीक है सांबार की मुझे टेस्ट थोड़ी ओके लगी बट चटनी की टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट सबसे अच्छा लगा मुझे डोसा और ये टमेटो की चटनी, इस टमेटो चटनी इज़ वेरी गुड। सिंपल प्लेन डोसा जैसे होना चाहिए, क्रिस्पी नाइस लाइट और क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। ये ना ऑयल में ही बनाया गया है और कहीं कहीं पे बीच बीच में ना हल्का ऐसा एक स्मोकी ऐसा जलने जैसा कैसा होता है उसका थोड़ा टेस्ट आ रहा है, बट ओवरऑल दिस इज़ अमेजिंग। वैसे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आपने जयपुर पिंक सिटी के फ़ोटोज़ देखे हों या हवा महल बापू बाज़ार वो सब फ़ोटोज़ देखे हों, तो देयर इज़ अ वेरी पर्टिकुलर वे वहाँ पर ऐसे शॉप्स हैं, लाइक ऐसे ब्रिक पिंक वॉल्स हैं और वहाँ पे शॉप्स हैं, दे ऑल हैव अ सेम फॉन्ट, वैसा ही सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल द शॉप्स हियर हैव दिस ब्रिक पिंक वॉल्स आउटसाइड। जो भी नाम लिखे हुए हैं स्टॉल्स के वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखे हुए हैं, सो दे हैव फॉलोड दिस, सो एक काफ़ी एक अच्छा टच आ रहा है। वैसे हमारा ना पेट अभी काफ़ी भर चुका है, आई थिंक अभी हम एक लास्ट चीज़ खाएंगे डिजर्ट्स की, बट ओवरऑल यहाँ पे मज़ा काफ़ी आया। डिज़र्ट में हम क्या खाएँगे, एक्चुअली यहाँ पे एक स्टोर है जहाँ पे ना बहुत लोग फलूदा कुल्फी ये सब ले रहे हैं, तो चलिए वही कुछ खाते हैं। वैसे यहाँ पे खाने के लिए इतना कुछ है दैट आई विश मैं और भी कुछ खा पाती, बट नाउ आई एम स्टफ्ड, देयर इज ओनली रूम फॉर सम डिजर्ट्स। अभी हमने लिया है रबड़ी फलूदा विद आइसक्रीम फ्रॉम ब्रिजवासी फलूदा। ये काफ़ी पॉपुलर जॉइंट है जयपुर में और इनका यहाँ पे भी जॉइंट है मसाला चौक पे, तो मैंने ये ले लिया है। 100 रुपीज़ में ये आता है एंड इट्स लिटरली लोडेड। सो इसमें एक्चुअली काफ़ी लेयर्स हैं, वन लेयर इज़ ऑफ फलूदा जिसमें वॉमिसली रबड़ी है, देन देयर इज़ अ लेयर ऑफ कुल्फी, देन ऊपर से आइसक्रीम विद अ बिट ऑफ जैम टूटी फ्रूटी। लेट्स टेस्ट, सबसे पहले मैं कुल्फी और रबड़ी ट्राई करती हूँ, लेट्स टेस्ट। ओ वाओ, इन जस्ट वन बाइट आई कैन टेल यू दिस इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी द सेकेंड बेस्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग हियर, फर्स्ट बीइंग द थाली फ्रॉम महावीर। इसमें केसर का इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, रबड़ी और कुल्फी दोनों में केसर का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। देन जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम एक्चुअली बटरस्कॉच राजभोग टाइप आइसक्रीम है,
थोड़ा राजभोग का टेस्ट आ रहा है जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, देन द टूटी फ्रूटी अमेजिंग। आई थिंक इसमें ना सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें केसर का क्या कमाल का स्वाद आ रहा है। कुल्फ़ी, रबड़ी ले लो, अमेजिंग। फिर और जैसे आप नीचे खाओगे तो रोज़ शरबत कैसा होता है उसका स्वाद आएगा, अमेजिंग। सिर्फ कुल्फ़ी टेस्ट करके मुझे ऐसे लग रहा है कि आ, कमाल की कुल्फ़ी है। तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ फुल ऑन फलूदा नहीं खाना है तो यहाँ पे कुल्फ़ी खा लीजिएगा, काफ़ी कमाल की है। लुक एट दैट। सो ओवरऑल दिस इज़ यमी, वेरी हैवी। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। आई नो काफ़ी शॉर्ट सा वीडियो था, पर हम यहाँ पे 1.5-2 घंटा ही थे, तो वी ट्राइड एज मच एज वी कैन। बट आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग इट एंड आई होप यू एन्जॉयड द राजस्थान सीरीज एज अ होल। मुझे तो बहुत मज़ा आया राजस्थान में। ये मेरा सेकेंड या थर्ड टाइम था प्रॉपर फूड एक्सप्लोर करके, एंड आई हैड सच अ ग्रेट टाइम। अगर आपको भी वीडियोज़ देख के मज़ा आया हो, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। टुडेज़ कमेंट शाउट आउट गोज़ टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कमेंट। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ न्यू सिटी। टिल देन खाओ पियो खुश रहो। बाय।